चलो भाई, मैं हूँ अर्जुन सुथार। तो स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज अपन बात करने वाले हैं हमारी मारुति सुजुकी स्विफ्ट की। तो आज एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, बिकॉज हर कोई आदमी चाहता है कि उसकी गाड़ी की हाइट बढ़े और उसकी गाड़ी कहीं टकराए ना। बिकॉज आज की डेट में इंडियन रोड्स की कंडीशन कुछ इस टाइप से है कि जहाँ पर भी जाते हैं गाड़ी नीचे से टकराती है, कि ये एरिया बहुत कम आता है और कई केसेस में यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस कई कार्स में कम होता है। तो उस केस में अपन बात करने वाले हैं कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाएं कैसे, एक्चुअली इसका ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाएं कैसे, और साथ ही गाड़ी को कैसे रोकें। कि ये चीज़ कई बार क्या होता है, पीछे तीन बंदे बैठते हैं या सीएनजी टैंक लगता है तो ये चीज़ बिल्कुल ही नीचे दब जाती है। उस कंडीशन में क्या होता है, अपन को कई बार ऐसे जंप्स आते हैं उन पर गाड़ी पीछे से टिकती है, और यहाँ पर वैसे एक्चुअल डैमेज तो कुछ होता नहीं, लेकिन नीचे से कई केसेस में टिकती हैं। बिकॉज फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई राजस्थान या इस टाइप के एरिया में जाते हो, उसके रूरल एरियाज़ में जाते हो, वहाँ पे आपने अगर नोटिस किया हो तो जंप्स इतने बड़े बड़े होते हैं कि उस पर टिकनी तो तय है। तो इस केस में क्या होता है कि अपन को ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा अप चाहिए होता है, कि थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस ऊपर हो और गाड़ी का कंट्रोल भी ना बिगड़े। उस कंडीशन में कई लोग क्या करते हैं, शॉकर के ऊपर गुटके लगा देते हैं। यहाँ पर आपको दिख जाएगा, तो गुटके लगा देते हैं, गुटके कह लो या फिर कुछ इस टाइप का मटेरियल कह लो कि वो लगा लेते हैं, पट्टे लगा लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। तो वो लगाने से क्या होता है कि गाड़ी ऊंची तो हो जाती है, फिर बाद में वो ऐसे 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 लचके मारने लगती है। बट आज मैं एक ऐसा सॉल्यूशन लेके आया हूँ जिससे हल्का फुल्का ग्राउंड क्लियरेंस भी बढ़ेगा और गाड़ी बिल्कुल ही दबेगी नहीं। अगर आप पाँच बंदे बैठ के जा रहे हो, सीएनजी भी लगा है, तो गाड़ी बिल्कुल दबेगी नहीं, कि यहाँ से दबेगी नहीं ऐसे। तो ऐसा सॉल्यूशन मैंने, आज मैं कोई प्रोडक्ट नहीं लाया हूँ, है तो प्रोडक्ट बट मैंने जो ट्राई किया है, मैंने जो फेस किया है, उस बेस पे लेके आया हूँ। ये चीज़ मेरी गाड़ी में इंस्टॉल्ड है तो उस बेस पे बात करेंगे। तो वो चीज़ ये है, देखिए कुछ आपको दिख रहा हो तो ये देखिए, ये दिख रहे होंगे, तो ये पूरी ऐसे रोटेशनली घूमी हुई है ऐसे इतनी तक। तो इस चीज़ के बारे में बोल रहा था, इसको बोला जाता है कुशनर या बफर, ठीक है। तो ऑटो क्यू ब्रांड के हैं ये, और वैसे एक दो ब्रांड्स और हैं जैसे लाइक मिजो और एक आधा कोई ब्रांड और है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो हर गाड़ी के अकॉर्डिंग साइज अलग आता है। तो फॉर एग्जांपल ये स्विफ्ट है, तो स्विफ्ट में साइज बी आता है आगे को और साइज सी आता है पीछे को, और हर गाड़ी के ऊपर अलग अलग डिपेंड करता है। तो इससे क्या होगा कि ये शॉकर के बीच में आ जाएगा, जिससे शॉकर दबेगा नहीं, और अगर शॉकर दबेगा नहीं तो ये चीज़ बरकरार रहेगी। तो अब यहाँ पर देखिए, नोटिस कीजिए, मेरी गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो लगभग आधा इंच बड़ा है। तो फॉर एग्जांपल जहाँ 172 mm था, वहाँ पे इस गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस आज की डेट में है, आप मेज़र करके देखें तो वो 182 या 185 तक पहुँच गया है। तो मेरी गाड़ी में ओनली आगे को लगे हैं, पीछे अभी मैंने ऑर्डर कर रखे हैं। पहले मैंने एक सेट मंगाया, देखा कि ट्राई करते हैं कैसा कुछ रिजल्ट निकलता है। तो एक दो दिन में आपको इंस्टॉलेशन की भी वीडियो मिल जाएगी, कि रियर में मैं इंस्टॉल भी करने वाला हूँ। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और देखते रहते हैं। तो अभी को मैंने इसमें जो इंस्टॉल किया है यहाँ पे, इसका कैसा रिस्पांस है, तो आज अगर बात करें इसका रिस्पांस कुछ ऐसा है, जब भी आप गाड़ी को ड्राइव करते हो तो गाड़ी बिल्कुल ही झोल नहीं खाती। इससे मैंने जो फील किया है वो ये है कि गाड़ी बिल्कुल भी झोल नहीं खाती। वो क्या होता है ना, बॉडी रोल जो होता है वो नहीं रहता। अगर आपके पास महिंद्रा की कोई गाड़ी है या फिर कोई ऐसी गाड़ी है जो हाइट में ज़्यादा है और उसमें इस टाइप की स्प्रिंग बनाते हैं, उनमें भी ये चीज़ लगती है, जिससे क्या होगा बॉडी रोल मतलब बिल्कुल मिनिमल हो जाएगा। अब मेरी गाड़ी में बॉडी रोल नहीं रहा, और तो और ये चीज़ फ़ायदा है कि इसमें अब मेरे को गड्ढे जो होते हैं ना, जब छोटे मोटे गड्ढे तो पता ही नहीं चलते अब इस गाड़ी में, और अगर थोड़ा बड़ा आता है तो उसमें भी हल्का सा पता चलता है, इससे ज़्यादा कोई पता नहीं चलता। और गाड़ी के अंदर जो प्लास्टिक की नॉइसेस थी या फिर जो अलग छोटी मोटी आवाज़ें आती थी, वो भी ख़त्म हो गई इस चीज़ से। अगर ऐसा कोई ट्राई करते हो तो इससे क्या है कि सस्पेंशन ज़्यादा दबते नहीं और सस्पेंशन की लाइफ भी बढ़ती है, और हाईवे पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता है। क्योंकि गाड़ी अगर चिपक के चलेगी, गाड़ी अगर कंट्रोल में स्टेबल चलेगी तो मतलब उसमें फ़र्क पड़ता है। तो ऐसे ही मैंने देखा कि यार अब 2 वीक हो गए, 15 दिन ऑलमोस्ट, तो 15 दिन से मैं ये चीज़ यूज़ कर रहा हूँ। अगर 15 दिन से यूज़ कर रहा हूँ तो ये चीज़ शेयर करना बनता है। तो यहाँ फ़ोटो दिख जाएगा आपको, जो मैंने यूज़ किया वो ये वाले हैं ऑटो, क्योंकि ये कुछ 2263 में प्रमोशनल कोड लगा करके मेरे को पड़े थे। वैसे कोड आपको वहीं 7% का कुछ प्रमोशनल डिस्काउंट मिलता है, और 2400 कुछ के हैं ये, मतलब इतना ही है, ज़्यादा कोई कॉस्टली नहीं है। तो मेरे को लगा ये प्रोडक्ट अगर कोई लेता है उसकी तो दिक्कत सॉल्व हो जाएगी, और मैंने जो ट्राई किया
वो आपके सामने, अब देखते हैं, आपको दिखाता हूँ जो डिफरेंस एक्चुअल में आपको दिखेगा। जो स्टीयरिंग को देखना आप, कितना लाइट हो गया देखिए, क्यों गाड़ी की सस्पेंशन दब ही नहीं रहा बिल्कुल, और आगे इंजन में वेट होता है फिर भी गाड़ी का सस्पेंशन नहीं दब रहे, और यहाँ पे मेरी गाड़ी में चौड़े टायर हैं, उस रीज़न भी ये मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। अब स्टीयरिंग का फंडा क्या है वो मेरे को भी नहीं समझ आया, और मेरी गाड़ी यहाँ पे एक नॉइज़ थी, अगर कोई मेरे को पहले से फॉलो करता है और मेरे को चैनल पे वीडियोस देखता है तो आपको एक वीडियो दिख जाएगी, उसमें मैंने बताया था मेरी गाड़ी में अनोइंग सी नॉइस आती है यहाँ पे। अब देखो कोई नॉइस नहीं है, और इसमें मैंने कोई एक पैसा नहीं लगाया फालतू, बस ये चीज़ लगवाई और मेरी ये नॉइस भी ख़त्म हो गई। और जो मेरी गाड़ी में प्लास्टिक की नॉइसेज आती थी वो भी आप देखना, अब नॉर्मल एसी फैन की आवाज़ है, और आप देखना वाइब्रेशन सारी ख़त्म हो गई, कोई वाइब्रेशन नहीं, ये देखो। और छोटे मोटे गड्ढे मैं दिखाऊंगा आपको, गड्ढों में से बिल्कुल आराम से निकलती है। अब देखना वहाँ पे एक बम्प दिख रहा होगा, एक यहाँ पे देखिए रोड के बीच में एक छोटा सा गड्ढा है, इसमें से निकलेगी गाड़ी पता ही नहीं चलेगा, ये देखना, ये देखो हल्का सा बस पता ही नहीं चल रहा, इतना स्मूथ हो जाता है सस्पेंशन, और इसमें सस्पेंशन की लाइफ इंक्रीज होती है। और गुटकों में क्या होता है कि वो कटने के चांसेस रहते हैं, और रबड़ के होते हैं, तो वो क्या है कि ऐसे या ऐसे आप करते हो तो झोल खाती है गाड़ी, मतलब रोल ओवर बढ़ता है उससे, और इससे बॉडी रोल बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल में आ जाता है। अगर आप बोलेरो जैसी अगर गाड़ी को यूज़ करते हो, ये देखो बिल्कुल ही मिनिमल आवाज़ आती है, 6 साल बाद में इतनी कम आवाज़ आ रही है अंदर गाड़ी में। पहले मेरी गाड़ी में जो आवाज़ें आने शुरू हो गई थी वो सारी इस चीज़ ने ख़त्म कर दी ऑलमोस्ट, क्योंकि मेरी गाड़ी में आगे से आवाज़ें आती थी, कोई प्लास्टिक की कोई सस्पेंशन से आती थी तो पता नहीं। ये देखो नॉर्मल बड़े जंप हैं ये, अब देखना बड़े सारे जंप हैं, उनमें से आराम से मक्खन की तरह निकल के जा रही है, देखना। और कंट्रोल भी कितना मस्त हो गया है, ये देखो कंट्रोल भी बहुत ही प्यारा कंट्रोल हो गया है। अब गाड़ी इधर उधर देखो झोल नहीं खा रही मेन चीज़, क्योंकि बॉडी रोल इसमें था एक्चुअल में। स्विफ्ट में कोई कहता है नहीं है तो स्विफ्ट में भी हल्का फुल्का बॉडी रोल है, क्योंकि वो नॉर्मली गाड़ियों से इसमें ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा ज़्यादा है, और नॉर्मल सी हैचबैक में हल्का फुल्का ग्राउंड, ये देखो नॉर्मल से निकल रही है। और सस्पेंशन को मैंने आज तक टच नहीं करवाया, कंपनी के सस्पेंशन है आज भी, और गाड़ी चली है 1,48,745, मतलब 1,49,000 के आसपास चली है, तो मतलब 1.5 लाख किलोमीटर चलने यार एक नंबर होता है। उस बीच में मैंने ये चीज़ जो ट्राई की और इस प्रोडक्ट को मैंने यूज़ किया, और मेरे को जो इस प्रोडक्ट का रिस्पॉन्स लगा, मैंने देखा यार किसी का भला हो तो अपना क्या जाता है, सही वो वाली सिचुएशन है। अगर आप लगवाना चाहो तो लगवा सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, जो मैंने यूज़ किया वो भी मिल जाएंगी और अलग अलग साइजेस की मिल जाएंगी। तो स्विफ्ट अगर आपके पास है तो आगे को इसमें लगते हैं साइज बी और पीछे को लगते हैं साइज सी, और वो कुछ आपको लिंक्स दिख जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। बाकी जल्दी आएगा साइज सी का वीडियो, क्योंकि इंस्टॉलेशन भी करनी है पीछे वालों की, आगे को मैंने ये इंस्टॉल किए थे तो ऐसा था कि सीन, मैंने इसको इंस्टॉल तो कर लिया, फिर बाद में मुझे लगा यार हाथों हाथ वीडियो बनाता तो लोग बोलते हैं कि तेरे को ये क्या पता कि कैसे हैं क्या कुछ है। मैंने पूरी रिसर्च की थी, वीडियोस देखे थे, उसके बाद में इसको ऑर्डर किया, और बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स है इसका। अगर आप में से किसी को है कि थोड़ा बहुत ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ जाए 10-15 mm, तो इससे 10-15 mm लगभग ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ जाएगा, और 10-15 नहीं तो 10 mm तो बढ़ ही जाएगा, 8-10 mm तो ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ ही जाएगा इससे, और अच्छी चीज़ तो यही है। और स्टेबिलिटी बढ़िया हो जाएगी, खड़ी घर झोल खा रही है वो बढ़िया हो जाएगा, और खड्डों से निकलेगी पता ही नहीं चलेगा। और कईयों को सवाल होगा कि सस्पेंशन में ये गुटके आ गए उसके बाद में तो उल्टा सस्पेंशन स्टिफ होना चाहिए, तो वही रीज़न है गड्ढों से पता नहीं चल रहा। स्टिफ सस्पेंशन होने से ये प्रॉफिट है कि गाड़ी हाईवे पे मस्त चल रही है, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है, और नॉर्मली जो भी गड्ढे आते हैं उनको फेस कर लेते हैं, तो यही कुछ है ये प्रोडक्ट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लग जाए वीडियो को लाइक कर देना, और साथ ही जल्दी से जल्दी अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस इंक्रीज़ करना चाहते हो, ये तरीका बेस्ट ही जेन्युइन तरीका है, तो ये तरीका आप ट्राई कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप सारी चीज़ें ले सकते हो। और आपको कुछ नहीं चाहिए एक्चुअली, बताओ ना, आपको नॉर्मली बॉक्स में पैकेजिंग आएंगी उसके ऊपर सारे तरीके लिखे होंगे, उन्हें 2 पीसेज आएंगे, और आपको जस्ट निकालना है और जस्ट जैक से ऊपर करना है इसको, और फिर बाद में उस पर नॉर्मल सा शैम्पू होता है, शैम्पू वाला पानी लगा के मतलब साफ कर देना, चिकनास रहनी चाहिए उस पर, बाद में इसको चढ़ा देना है, बस यही चीज़ है, और जैक लगाए हुए रखना है। चढ़ाने के बाद में ये कुछ आपने देखी होंगी टाई बेल्ट, अभी मेरी लगी हुई थी ऐसी टाई बेल्ट साथ में आएंगी, वो लगा के बात ख़त्म, फ्री इसमें ना मैकेनिक को कुछ देना ना कुछ करना, आप घर पे भी कर सकते हो ये चीज़, मैं किसी मैकेनिक के पास नहीं गया था। सो कीप वॉचिंग।